नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। जलवाहक संघ जिला चंबा की एक बैठक आज चंबा में जिला जलवाहक संघ अध्यक्ष केवल कृष्ण की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सरकार से मांग की गई कि जो जलवाहक पिछले 14 वर्ष से कार्यरत हैं उन्हें तुरंत पक्का किया जाए व उनके लिए नई पॉलिसी भी बनाई जाए, जिसमें 3 वर्ष के बाद डेली वेजर व 5 वर्ष के उपरांत पक्का किया जाए, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाए, पुरानी बंद पेंशन स्कीम पुनः चालू की जाए। पेश है इस बैठक संबंधी चंबा से हमारे सहयोगी राजेंद्र ठाकुर की एक रिपोर्ट। मेरा नाम चंबा का अध्यक्ष और हमारी मुख्य मांग ये है कि जो हमारे पार्ट टाइम भाई लगे हुए हैं उनको कम से कम 5 साल के बाद जो दैनिक वेतन भोगी बनाया जाए और 3 साल के बाद जो उनको दैनिक पार्ट टाइम का 5 साल का समय होना चाहिए और 3 साल जो दैनिक वेतन भोगी उसके बाद हमें 8 साल के बाद रेगुलर किया जाए। और बाकी हमारी मांगे ये है कि सरकार हमें 14-14 साल लगा रही है, हम कम से कम हमारे ऊपर इनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम गरीब वर्ग के लोग हैं और इनको कम से कम थोड़ा तो हमें राहत देना चाहिए। हम विधानसभा में श्री जयराम जी सर साथ मिल के आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम जो है आपकी मांगों को बिल्कुल अमल करके और आपके जो है जल्द से जल्द काम कर देंगे, मगर आज दिन तक हमें आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं मिला हुआ है। हमारे से एजुकेशन के सेक्रेटरी भी साथ में थे। अगर आपकी ये डिमांड पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? बैठ जाएंगे, पहले भी हम स्टार्टिंग हमने किया था चंबा से, तो एंड भी चंबा से ही करेंगे क्योंकि हम भी बैठ जाएंगे, हम भी अंतिम त्याग देंगे और बैठ जाएंगे क्योंकि हमारे को वैसे तो हम मरे हुए हैं। हम भी सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारा काम जल्द से जल्द पूरा करें ताकि हम भी अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएं लिखाएं और अपना जो सुचारू रूप से अपना काम करें।